वो कश्मीर हमारा है, जिस मिट्टी को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नेशन पावर, शक्ति राष्ट्र शक्ति, जिंदाबाद एबीवीपी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मातरम वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम आवाज। आज का कार्यक्रम ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 74 साल पूरे करके 75वें साल में प्रवेश कर रहा है और हर नगर में हर जिले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अपने हर्षोल्लास के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। देख लीजिए आप, 75 साल पूरे होने पे 75 झंडों के साथ ये रैली निकाली जा रही है और बहुत ही खुशी के साथ हम ऐसे इसको हर साल मनाते रहेंगे और अपने विद्यार्थियों के लिए, हक के लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक है जान में जान। नमस्कार सभी को, मैं आकाशदीप सिंह, एपीवीपी उधमपुर डिवीजन डिवीजन कन्वीनर। आज 9 जुलाई यानी विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस, आज संगठन अपने 74 वर्ष पूरे कर रहा है और 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन उभर गया है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज हर गली हर चौराहे हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इसके कार्यकर्ता मिलेंगे। 1949 से लेकर आज तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनेक छात्र आंदोलन किए, देश हित में आंदोलन किए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो स्टूडेंट्स की समस्याओं को उठाता है और उन्हें हल भी करता है। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। सन 1949 में इसकी स्थापना की गई और आज इसकी 30 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आज राष्ट्रीय छात्र दिवस के दिवस पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो कश्मीर हमारा है, जिस मिट्टी को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। 75th एनिवर्सरी है एबीवीपी की, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने रैली निकाली हुई है, तो इसके उपलक्ष्य में और हम प्लांटेशन ड्राइव भी कर रहे हैं जिसके उपलक्ष्य में हमने प्लांट्स लगाए हैं। कश्मीर हमारा है, जिस मिट्टी को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है।